शुभम आई सी आर ऑल इंडिया रैंक 191 नाइनटी वन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल सो आप सब जिस चीज़ का इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे आई सी आर की रिजल्ट आ गई थी बट काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हो रही थी तो फाइनली द वेट इज़ ओवर आई सी आर यू जी की काउंसलिंग आज से स्टार्ट हो गई है अभी आप जाके अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो चॉइस फिलिंग कर सकते हो एंड बेस्ड अपॉन दैट आपको कॉलेज अलॉट होगा एंड वहाँ मतलब आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी सो वॉट आर द प्रोसेस वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो आप अगर पाँच मिनट इस वीडियो पे दे देते हैं तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द होल प्रोसेस आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी हाउ टू डू द चॉइस फिलिंग हाउ टू डू द रजिस्ट्रेशन क्या पैसे लगने वाले हैं स्कॉलरशिप किन किन लोगों को मिलेगी तो ऑल द थिंग्स विल बी वेरी मच क्लियर टू यू पीपल सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को सबसे पहले ये आप इंट्रोडक्शन में जाके देख सकते हो आपको मैं डायरेक्टली शेड्यूल पर लेके चलता हूँ तो आपकी रिजल्ट बहुत पहले आ गई थी फर्स्ट नवंबर को आपकी रिजल्ट आ गई थी उसके बाद रिजल्ट आने के बाद आप इंतज़ार कर रहे थे कि कब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो स्टार्ट ऑफ द कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन मतलब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है फ्रॉम द नाइन्थ दिसंबर 5 पीएम के बाद आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा टिल 15 अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो तो आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ राउंड में आप पार्ट नहीं ले पाओगे तो अगर आपको इन किसी भी राउंड में अगर पार्टिसिपेट करना है तो यू हैव टू कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बाय फिफ्टीन दिसंबर एनी हाउ उसके बाद लेकिन अगर आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाते हो तो टिल सिक्सटीन आप अपनी चॉइस फ़िलिंग कर सकते हो उसके बाद आपकी सीट अलाटमेंट होगी सो फर्स्ट सीट अलाटमेंट होगा आपका नाइनटीन दिसंबर को सीट अलाटमेंट होने के बाद आपको अपनी जो भी डॉक्यूमेंट्स होती है वो ऑनलाइन ही एप्लीकेंट लॉग इन करने के बाद आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं तो आप जैसे ही अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो आपकी कॉलेज उस डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करती है और अगर कुछ एरर होता है तो आपको फिर से चांस मिलता है फॉर द सबमिशन ऑफ़ द डॉक्यूमेंट्स फिर से सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स को कॉलेज वेरीफाई करती है और उसके बाद जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हो जाते हैं तो आपको बोला जाता है सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको जमा करनी होती है अगर आप सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस जमा नहीं करोगे तो आप अपग्रेडेशन के लिए नहीं जा सकते हो तो यू हैव टू पे द सीट एक्सेप्टेंस फीस उसके बाद आपसे पूछा जाएगा वेदर यू वॉन्ट टू गो फॉर द अपग्रेडेशन या फिर आपको जो कॉलेज अलॉट हुई है वही कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो अगर आप अपग्रेडेशन के लिए जाते हो फिर फर्दर आपको सपोज करो अगर आपको थर्टीथ नंबर का कॉलेज आपको मिला है तो हो सकता है अपग्रेडेशन आप में आपको ट्वेल्थ या टेन नंबर की कॉलेज मिल जाए किसी भी नंबर का मिल सकता है बेस्ड अपॉन योर मार्क्स बेस्ड अपॉन योर रैंक ठीक है तो आपको ध्यान क्या देना है चॉइस फिलिंग का मौका सिर्फ आपको एक ही बार मिलेगा तो वी बी वेरी मच पर्टिकुलर विथ योर चॉइस फिलिंग आपको पता होना चाहिए कि आपके रैंक पे कौन सा बेस्ट कॉलेज आपको मिल सकता है इफ़ यू आर वेरी मच वेल अवेयर बहुत अच्छी बात है आपको खुद से ही काउंसलिंग करनी चाहिए बट अगर आपको कहीं भी कोई भी इशू आए या फिर अगर आपको आई कॉलेजेस के बारे में नहीं पता है तो यू कैन गो फॉर आवर पेड काउंसलिंग ऑलमोस्ट लाइक लास्ट फोर ईयर्स में वी हैव डन सो मच ऑफ काउंसलिंग और मतलब मैंने अपने टाइम से लेके अभी तक काफ़ी मतलब वेटनरी बी डी एस बी एम एस आई सी आर इन सब के तो कॉलेजेस रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लाइक like कॉलेज की रेपूटेशन के साथ आपको वहाँ पे फोर इयर्स इन्वेस्ट करने हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी है आई सी आर रैंक को कंसिडर करना है बट उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं दैट विल अफेक्ट योर फोर ईयर्स ऑफ जर्नी लाइक कॉलेज जो आई सी आर रैंक्स बनते हैं वो काफ़ी हद तक रिसर्च बेसिस पे भी फोकस्ड रहती है तो यू जी में रिसर्च मेनली नहीं होता है यू जी में यू हैव टू स्टडी रिसर्च वर्क होता है फॉर द पी जी पीपल एंड फॉर द पी एच डी पीपल तो आप आई सी आर को कंसिडरेशन मिलो बट डोंट फोकस टोटली ऑन द आई सी आर रैंक बहुत सारे फैक्टर्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखो कॉलेज का क्या इन्वायरमेंट है कितना पी जी सेलेक्शन हो रहा है ये सारे फैक्टर्स आपको कहीं ना कहीं यू हैव टू लुक फॉर दैट फिर सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट आपको थर्टीथ दिसंबर को होगा फिर सेम प्रोसेस करनी है एज दैट ऑफ फर्स्ट राउंड आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है लाइक जिन्होंने ऑलरेडी कर रखा था उनको बस फिर से पूछा जाएगा वेदर यू वॉन्ट फॉर गो फॉर अपग्रेडेशन आप फिर से अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हो आप फिर से अपग्रेड कर सकते हो तो सेम प्रोसेस एज दैट ऑफ फर्स्ट राउंड अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई भी एरर आता है तो आपको फिर से बोला जाएगा रिसमिशन ऑफ़ डॉक्यूमेंट्स के लिए अगर आप डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट करवा पाते हो तो आप सारे राउंड से बाहर हो जाओगे फिर आपके पास सिर्फ मॉपअप राउंड बचेगा जहाँ पर आप फिर से अप्लाई कर सकते हो लाइक like, अगर डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो लास्ट में आपको फिर से मौका मिलेगा थर्ड राउंड की रिजल्ट आपको दस दस जनवरी को आएगी फिर सेम सारी प्रोसेस हैं आप देख सकते हो स्क्रीन पर डेट्स फिर फोर्थ राउंड का ट्वेंटी जनवरी को आएगा तो प्रोसेस काफ़ी लंबा है बट यू हैव टू वेट आपके पास ऑप्शन नहीं है अगर आपके रैंक कम है मतलब रैंक आपके ज़्यादा सपोज़ ट्वेंटी थाउजेंड है या फिफ्टीन थाउजेंड है आप ट्राई करना चाहते हो तो यू हैव टू वेट टिल द फोर्थ राउंड और मॉपअप राउंड उससे पहले तो चीज़ें मुश्किल है आपके लिए स्पेशली फॉर द पी सी बी पीपल तो आपको फोर्थ राउंड मॉप राउंड तक आपको विथ पेशेंस सारे देखने पड़ेंगे काउंसिलिंग आपको अच्छे से अपनी चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी क्योंकि चॉइस फिलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइक यू हैव सफोर्ड सो मच आपने रिजल्ट का इंतज़ार किया आपने बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दिया बहुत मेहनत करी बट चॉइस फिलिंग में अगर एरर होता है तो आपको जो अच्छा कॉलेज मिलने वाला होगा शायद वो आपको ना ना मिल पाए और आपसे कम मतलब जो आपसे ज़्यादा रैंक वाले हैं लाइक आपके रैंक एट थाउजेंड है बट आपने चॉइस फिलिंग सही से नहीं की अलेवन थाउजेंड वाले रैंक वाले को अच्छा कॉलेज मिल जाएगा क्योंकि उन्होंने अपनी चॉइस फिलिंग सही से की तो बी वेरी मच पर्टिकुलर विथ योर चॉइस फिलिंग यही बोलूँगा और इवन पहले क्या होता था सिर्फ थ्री राउंड ऑफ काउंसलिंग होती थी एंड देन मॉपअप होता था बट बहुत सारी सीट्स वैकेंट रह जाती थी तो इस बार से आई ने क्या किया है चार राउंड ऑफ़ इनिशियल काउंसलिंग रखी है आफ्टर दैट वो मॉपअप काउंसलिंग उन्होंने रखा है तो आपके लिए अच्छा ये है कि सीट्स वेस्ट कम होगी और आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन ज़्यादा हो जाएंगे और एक चीज़ और अच्छा हुआ लाइक आप लोग सोच रहे थे ना कि इतनी काउंसलिंग डिले होने का रीज़न ये अच्छा है क्योंकि जो स्टूडेंट्स वेट में जाना चाहते थे जो स्टूडेंट आयुर्वेदा में जाना चाहते थे बी में जाना चाहते थे दे हैव ऑलरेडी टेकन द एडमिशन सो द प्रोसेस ऑफ योर सेलेक्शन हैज़ बिकम वेरी ईजी अभी आपका जो सिलेक्शन होगा वो काफ़ी आराम से हो जाएगा आपके अगर ज़्यादा भी रैंक है तो जिनके कम रैंक थे वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं एडमिशन ले चुके हैं तो आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन ज़्यादा होंगे तो आप अच्छे से अपनी सारी काउंसलिंग प्रोसीजर करवाइए आपके कितने भी लाइक अगर आपके बहुत ज़्यादा रैंक है ट्वेंटी थाउजेंड भी है इट्स अ मैटर ऑफ जस्ट फाइव हंड्रेड ठीक है आप आराम से इन्वेस्ट कर देते हो फाइव हंड्रेड अपने खाने पीने में भी तो क्यों ना काउंसलिंग में ट्राई करके ही आप कर लो तो ट्राई करना चाहिए आपको फिर फाइनल आपका जो मॉपअप राउंड होगा वो आपके फाइनल राउंड होंगे टाइम मिलेगा आपको ट्वेंटी जनवरी से स्टार्ट होगा फिर इसमें क्या करना है जिसके डॉक्यूमेंट्स कैंसिल हो गए थे वो भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड में अप्लाई नहीं किया था रजिस्ट्रेशन नहीं किया था वो भी अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको फिर से एक मौका मिलेगा ठीक है और अगर आपने पेमेंट नहीं किया था फिर भी आपको मौका मिलेगा तो जिन्होंने रजिस्टर किया था किसी वजह से बाहर हो गए थे काउंसलिंग से उनको फिर से फाइव पे नहीं करना है बट जिन्होंने नहीं अप्लाई किया था उनको फिर से फाइव पे करके वो फिर से रजिस्टर कर सकते हैं ठीक है तो आप फर्स्ट राउंड से ही ट्राई करो इट्स बेटर नॉट टू गो फॉर द मॉपअप आप फर्स्ट से ही ट्राई करते रहो ठीक है कोर्सेज़ भी इंक्रीज़ हुए वो भी मैं आपको बताता हूँ ये कुछ इंस्ट्रक्शन है इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको बता देता हूँ जिनके मार्क्स जीरो या निगेटिव में यू आर नॉट एलिजिबल फॉर आई सी आर काउंसिलिंग चार राउंड्स हैं मॉपअप राउंड चार राउंड्स के बाद आएंगे अपग्रेडेशन के लिए आप जा सकते हो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड राउंड में फोर्थ राउंड में अपग्रेडेशन का यहाँ पे नहीं दे रखा है तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड राउंड में ही आप मान के रखो उसके बाद आई सी आर आपको सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ अलॉट करती हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कई सारे कॉलेजेस आती हैं तो कॉलेजेस वो आपको यूनिवर्सिटी अलॉट करेगी उसमें आई का कोई भी हाथ नहीं होता है like, लाइक आप उड़ीसा के कॉलेज में जाओगे तो दे आर ऑलमोस्ट फाइव टू सिक्स कॉलेजेस तो ऐसे ही डिपेंड करता है डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटीज़ बिहार वाले में भी फिर कई सारे कॉलेजेस हैं तो वो यूनिवर्सिटीज़ भेजेंगी उसमें लाइक like, मेन जो कॉलेज होता है गर्ल्स को वहाँ पे भेजा जाता है बॉयज़ को हो सकता है साइड कॉलेजेस में भी भेजा जाए तो ये सारी हैं आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो आपको मैं बोलूँगा वो आप तैयार रखना उसके बाद कोई भी क्लेम आप नहीं कर सकते हो फिर बीएससी कम्युनिटी साइंस में हिसार फिर तेलंगाना में जो कॉलेज हैदराबाद में है फिर इम्फाल वाला कॉलेज यहाँ से फीमेल कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं उसके बाद स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर मापा प्राउंड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आप वैसे एक बार इंफॉर्मेशन बुलेटिन खुद भी पढ़ सकते हो रैगिंग के लिए यहाँ पे ऑलरेडी एक नोट दिया हुआ है दैट इफ़ यू हैव बीन फाउंड इन एनी केसेज ऑफ रैगिंग आपकी जो सीट है वो कैंसिल कर दी जाएगी लाइक like, आप अगर पढ़ाई कर रहे हो किसी भी कॉलेज में तो यू विल बी एक्सटेंटेड फ्रॉम दैट कोर्स सिम्पली उसके बाद ये कुछ ऑनलाइन इंस्ट्रक्शंस है लाइक like, मैंने आपको पहले ही बता दिया रजिस्ट्रेशन करना है 500 आपको पे करना है उसके बाद आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी है चॉइस फिलिंग के बाद आपको बेस्ड ऑन चॉइस फिलिंग कॉलेज अलॉट होगा फिर आपको रिपोर्टिंग करनी है रिपोर्टिंग करने के बाद रिपोर्टिंग मतलब ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई करवाने हैं फिर आपको टेन थाउजेंड पे करना है सीट एक्सेप्टेंस फीस उसके बाद आप चाहो तो अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हो या फिर एडमिट कर सकते हो ये दोनों चीज़ें हैं इस बेसिस पे आपके फर्दर राउंड्स चलते रहेंगे उसके बाद ये सारे आप पढ़ भी सकते हो मेथड ऑफ सेलेक्शन ऑलरेडी देखो जो भी आपका प्रोसेस होगा ना वो आई सी आर एग्जाम डॉट नेट पर ही होगा एप्लीकेंट लॉग इन करते जाओगे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो इसमें बहुत कुछ नहीं है लाइक आपकी जो लॉगिन आई है पासवर्ड है उसके थ्रू आप लॉगिन करोगे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करोगे अपनी सारी आप डिटेल्स देख लेना कुछ अगर फ़िल करना होगा आप फिल कर सकते हो बट वहाँ पे ऑलरेडी फ़िल्ड रहता है आप अपनी डिटेल्स चेक करोगे उसके बाद 500 पे करोगे आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपको कॉलेजेस फ़िल करने हैं कॉलेजेस आप फ़िल कर सकते हो सबकी फ़ीस स्ट्रक्चर देख लेना और ये देखना कि आपके रैंक पर क्या सुटेबल बन रहा है वही मैंने बोला आपको समझ में आ रहा है तो इट्स वेल एंड गुड नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारी पर्सनलाइज काउंसलिंग की हेल्प ले सकते हो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है आप वहाँ से जाके इनरॉल कर सकते हो मुझसे बात कर सकते हो आफ्टर दैट मैं आपकी चॉइस फिलिंग करूँगा मेथड ऑफ़ सिलेक्शन ये अभी यहाँ पे मेन जो डॉक्यूमेंट्स है जो आपको मैं बता रहा था डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपकी टेंथ की रिज़ल्ट या टेंथ की एडमिट कार्ड हो जाएगी फिर जो भी आपके टेंथ ट्वेल्थ के मार्कशीट हैं वो आपके पास होनी चाहिए टीसी सी ट्वेल्थ का एडमिट कार्ड जो एन से आपको मिला था उसके बाद जो भी कन्फर्मेशन पेज एन से मिला था वो रैंक कार्ड आपके काउंसलिंग लेटर जो आपको मतलब डॉक्यूमेंट्स जब आप अपलोड करोगे जब आपको अलॉट होगा कॉलेज उस टाइम में एक आपको काउंसलिंग लेटर मिलता है वो फिर अलॉटमेंट लेटर देखो यहाँ पे दो चीज़ें एक टिक मार्क आपके लेफ्ट साइड में एक राइट right साइड में तो ऑनलाइन आपको क्या क्या सबमिट करना है वो आप ध्यान दो फिजिकल रिपोर्टिंग बाद में आएगी तो ऑनलाइन आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ करना है एंड देन आपको आपके आधार कार्ड को अपलोड करना है डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है करेक्टर सर्टिफिकेट ट्वेल्थ वाला अपलोड करना है अगर आपने ट्वेल्थ के बाद भी कहीं एडमिशन लिया तो वहाँ से जो करेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा आपको वो आपको अपलोड करना है देन उसके बाद आपकी सेंट्रल लेवल की सर्टिफिकेट होनी चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट एंड देन मेडिकल सर्टिफिकेट मेडिकल सर्टिफिकेट जो फिज़िकली हैंडी कैप्ट है उनको बस सबमिट करना है बाकी के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है तो ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे लास्ट में आप जाओगे चॉइस फिलिंग वगैरह मैंने आपको बता दिया ऑनलाइन अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स ये भी मैंने आपको बता दिया सीट एक्सेप्टेंस फीस टेन थाउजेंड होगी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ अपग्रेडेशन के भी रूल्स मैंने आपको बता दिए फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड राउंड में आप कर सकते हो अपग्रेडेशन मॉपअप के लिए आपका अपग्रेडेशन वैलिड नहीं होगा मॉपअप में जो भी अलॉट हुआ वो फाइनल होगा आपके लिए रिजल्ट फिर फिजिकली रिपोर्ट आपको फाइनली अलॉटेड कॉलेज में करना है लाइक like जब आपके चारों राउंड ऑफ काउंसलिंग खत्म हो जाएगी या फिर अगर आपने एडमिट कर लिया तो कॉलेज वाले आपको खुद ही बताएंगे आपको एक बार बात करना पड़ेगा कि कब आपको रिपोर्टिंग करनी है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आपको रिपोर्ट करना है तो वो आप कॉलेज वालों से बात कर सकते हो ये सारे आप देख सकते हो लाइक like, इतना इंपॉर्टेंट नहीं लास्ट में सारे कॉलेजेस की सीट्स हैं कितनी टोटल सीट्स हैं तो ऑलमोस्ट मैं आपको फाइनली बता देता हूँ लाइक बी एग्रीकल्चर में सिक्सटीन हंड्रेड वन सेकेंड सिक्सटीन हंड्रेड फोर्टी सिक्स सीट्स हैं बी एस सी हॉर्टीकल्चर में अगेन थ्री हंड्रेड समथिंग लाइक फोर थर्टी फाइव सीट्स हैं बी एस सी फॉरेस्ट्री में आपके लाइक सीट्स इंक्रीज हुए हैं लास्ट ईयर से वन ट्वेंटी नाइन सीट्स हैं फिशरी साइंस में आपके वन हंड्रेड सिक्स सीट्स हैं कम्यूनिटी साइंस में आपके वन थर्टी सेवन सेरिकल्चर में अगेन कुछ सीट्स हैं तो टोटल सीट्स अगर मैं आपको बोलूँ तो टोटल सीट्स कुछ कॉलेज हाँ लाइक एफिलिएशन वाला भी कुछ कॉलेज में इशू है तो वो भी आप एक बार चेक कर लेना बिफोर फीलिंग द कॉलेज और टोटल कॉलेजेस टोटल यूनिवर्सिटी सिक्सटी वन है इस बार काउंसलिंग में जो आई हैं वो भी इंक्रीज हुई हैं लास्ट ईयर से टोटल सारे कोर्सेज़ की इवन अगर मैं सारे कोर्सेज़ की मिला दूँ तो टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी वन सीट्स हैं इंक्लूडिंग बी एस सी कोर्सेज एंड द बी टेक कोर्सेज़ फ़ूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स जो लास्ट ईयर तक नहीं था उनके भी दो कॉलेज इस बार आए हैं तो देर इज़ अ प्लस पॉइंट जिनके हाई रैंक्स हैं उनका एडमिशन होने का इस कोर्स में तो विद दिस आई शुड आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी हो गई सो आई विल वाइंड अप दिस वीडियो कोई भी इशू आने से यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन अगर मैं फ्री रहा तो आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यूर कमेंट और अगर कोई भी आपको हेल्प चाहिए यू कैन सिम्पली इन रॉल थ्रू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन आई विल हेल्प यू इन थ्रू आउट द काउंसलिंग प्रोसेस सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यूर काउंसिंग मी को मैं